के प्रायोजक है माई इंडिया फ्यूल्स दे रहा है पेट्रोल पंप, डीजल पंप और सीएनजी पंप डीलरशिप पाने का सुनहरा मौका। अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-313-9115 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में सफाई कर्मियों का पैर पखारते हैं। सफाई कर्मियों की सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन वहीं अमरनाथ के सफाई कर्मियों को लेकर एकदम उलट हैं। हादसे में सफाई कर्मी माँ बेटे की मौत पर भी मोदी और योगी सरकार चुप है। हताहत परिवार में कोहराम मचा है। हालांकि राहत भरी खबर ये है कि परिवार के अन्य 11 लोग सुरक्षित हैं। दरअसल हमीरपुर जनपद के मौदहा इलाके में एक गाँव है इचौली नायकपुरवा, जहां से अरविंद कुमार और उनकी मां राजकुमारी अपने कुनवे के साथ अमरनाथ सफाई का काम करने गए थे। उन्हें अमरनाथ बांदा जिले का एक शख्स लेकर गया था। सभी लोग तंबू में रहकर काम कर रहे थे, मगर इसी दौरान अमरनाथ में बादल फटा, जन सैलाब उमड़ा। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले राजकुमारी और उसका बेटा अरविंद जल सैलाब की चपेट में आ गए, जबकि परिवार के अन्य सदस्य वरदानी, रेखा, नेकराम, मीनू, बलराम, सोनी, विशाल, रोहित, सुरेंद्र ये सभी सकुशल बच गए। फिलहाल हताहत परिवार के लोग सोमवार को वापस हमीरपुर आ चुके हैं। परिजनों ने बादल फटने की घटना में मां और बेटे की मौत की पुष्टि की है और शासन प्रशासन से मुआवजा मांगा। ये घटना है अमरनाथ गैस से कमाने के लिए ठेकेदार के माध्यम से कमाने गए थे और वहां पे जो 5:30 बजे सैलाब आया और ये सैलाब में दबकर उनकी मृत्यु हो गई। आपको कब जानकारी मिली? हमको जानकारी मिली 9 तारीख को शाम को 6:30 बजे। किसने दी जानकारी? ये जानकारी फोन द्वारा हमारे ही सदस्य थे उनके द्वारा जानकारी। कितने लोग गए थे? यहाँ से 13 लोग गए हुए थे अपने मोहल्ले से, सारे अपने ही लोग। अब हम यही कहते हैं कि हमारे मतलब गरीब आदमी हैं सर, हमें कुछ मुआवजा मिले सरकार से भी और आप लोगों से भी। यही निवेदन है कि आप मीडिया लोगों जितने लोग सब लोग हमें मिलकर ये सब मुआवजा दिलाएं, गरीब आदमी है। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। हमीरपुर प्रशासन भी मौन है, सांसद और विधायक भी चुप्पी साधे हैं। ऐसे में सवाल है, सफाई का काम करने वालों की जान की कीमत क्या कुछ भी नहीं? क्या ठेकेदार की कोई जवाबदेही नहीं बनती? हमीरपुर के सांसद और विधायक कहाँ हैं? क्या उनके पास भी पीड़ित परिवार वालों से मिलने का समय नहीं है? मोदी और योगी सरकार को सोचना चाहिए। हमीरपुर की राजकुमारी और उसका बेटा अरविंद अपनी ड्यूटी करते हुए जान गंवा चुके हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से माँ बेटे सरकार की व्यवस्था का हिस्सा थे, जिसकी वजह से सरकारी तंत्र अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। राजकुमारी और अरविंद की मौत का मुआवजा हर हाल में मिलना चाहिए। एनडीटीवी भारत के लिए हमीरपुर से प्रवीण कुमार मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।